Good morning, children. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, children, first of all, tell me what is the date today? Today is 30 June 2021. Children, what is the day today? Today is Wednesday. Today is Wednesday. Today our subject is Hindi. Children, this is your Hindi book. This is your Hindi book, Pitara. यह हिंदी की किताब है पिटारा. So बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की क्लास में एक नया स्वर सीखेंगे. पर उससे पहले हम अब तक सीखे हुए सभी स्वरों का पुनः अभ्यास करेंगे. तो बच्चों, ये है आपके स्वर और ये है आपके व्यंजन. तो अब तक हमने कौन कौन से स्वर सीख लिए हैं देखेंगे हम. ये है अ. अ आ से क्या होता है बच्चा? अ अ से अनार. अ अ से अनार. दूसरा स्वर है हमारा आ. आ से क्या होता है, जल्दी बताइए. आ आ से आम. आ से आम. अ अ से अनार. आ से आम. ई से इमली. ई से इमली. ई जिसे हम बड़ी ई भी कहते हैं. ई से हमने क्या सीखा था, जल्दी बताइए. हाँ, ई से ईख. ई से ईख. ऊ से उल्लू. वेरी गुड. तो अभी तक हमने कौन कौन से स्वर सीख लिए हैं? छोटा अ, अ, अ से अनार. बड़ा अ, आ, आ से आम. छोटी ई, ई, ई से इमली. ई, ई से ईख. छोटा उ, उ, उ से उल्लू. और आज का हमारा नया स्वर है ऊ, जिसे हम बड़ा ऊ भी कहते हैं. तो आज का नया स्वर है ऊ. चलिए हम देखते हैं कि बड़ा ऊ से क्या क्या चीजें होती हैं. तो बच्चों, हमारे साथ निकालेंगे पेज नंबर 1717. और ये कौन सा स्वर है? ये है स्वर ऊ. ये है स्वर ऊ. इसे बड़ा ऊ भी कहते हैं. चलिए हम देखते हैं कि बड़ा ऊ से क्या क्या चीजें होती हैं. तो बच्चों, ये क्या है? ये है ऊ से ऊन. हमारी मम्मी, हमारी नानी, हमारी दादी हमारे लिए क्या करते हैं? ठंड के समय में स्वेटर बुनते हैं. और वह स्वेटर किससे बुना जाता है? ऊन से. तो ये कौन, ये क्या है? ये ऊ से ऊन है. और ऊ से और क्या होता है? ऊ से ऊंट. ऊ से ऊंट. ऊ से ऊपर. ऊ से ऊपर. तो बच्चों, चलिए अब हम सीखते हैं कि बड़ा ऊ कैसे बनाते हैं. तो बच्चों, पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 पर देखेंगे कि हम बड़ा ऊ कैसे बनाते हैं. तो बच्चों, सबसे पहले हम एक छोटा कर्व बनाएंगे ऐसे. फिर हम एक बड़ा कर्व बनाएंगे. छोटा कर्व, बड़ा कर्व और इसकी एक पूंछ बनाएंगे. यस, छोटा कर, बड़ा कर और उसकी एक पूंछ और ऊपर सीधी लाइन, एक स्लीपिंग लाइन. चलिए एक बार फिर से देखते हैं. छोटा कर, बड़ा कर, एक छोटा कर, एक बड़ा कर और उसकी एक पूंछ. छोटा कर, एक बड़ा कर, उसकी एक पूंछ और ऊपर एक सीधी लाइन,
स्लीपिंग लाइन, एक छोटा कर्व और फिर एक बड़ा कर्व, एक पूंछ और ऊपर एक सीधी लाइन। तो बच्चों ये है आपकी पिटारा बुक का होमवर्क, और एक बार हम फिर से नोटबुक में देखेंगे कि बड़ा उ कैसे बनता है। तो बच्चों ये क्या है, ये है हमारा स्वर ऊ, और ऊ से हमने देखा था क्या होता है, ऊ से ऊंट होता है। तो एक बार चलिए फिर से देखते हैं अपनी नोटबुक में। सबसे पहले एक छोटा कर्व, फिर एक बड़ा कर्व और ऊपर एक नीचे की ओर पूंछ बनेगी इसकी। छोटा कर्व, एक बड़ा कर्व पर एक पूंछ और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। छोटा कर, फिर एक बड़ा कर, एक पूंछ लटकाएंगे और ऊपर एक सीधी लाइन। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसे आपको पिटारा बुक में पेज नंबर 18 पर और नोटबुक में आपको इसी तरह पूरा करना है। तो बच्चों आप इसे इसका बड़ा ऊ का अभ्यास करिएगा। सो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।